बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। आज का जो व्लॉग है इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो गंदम है, गंदम लगाने से पहले ज़मीन किस तरह तैयार की जाती है, मतलब ज़मीन की तैयारी से लेकर गंदम की बिजाई तक आपको जो है ना वो तरीका दिखाएँगे। तो उसके लिए आपको लेकर चलते हैं कि ज़मीनों में जहाँ पर हमने गंदम लगानी है। सबसे पहले हम निकालेंगे बाइक और फिर चलेंगे मतलब जहाँ पे ज़मीनें हमने ज़मीन तैयार करनी है। ये बाइक खड़ी है चाचू की शॉप पे, वहाँ से हमने बाइक लेनी है। गाइस ये हमारी स्पेशली बाइक है जो लोडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अभी हम जा रहे हैं ट्रैक्टर वाले की तरफ से, जो कि दूसरों की मतलब ज़मीन तैयार कर रहा था, उसको वहाँ से लेके ना तो फिर जाएंगे अपनी ज़मीनों की तरफ। यहाँ से चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं कैमरा नहीं चला सकता, वहाँ आगे जाके ना आपको दिखाते हैं। गाइस हम ट्रैक्टर वाले के पास पहुँच गए हैं और यहाँ ट्रैक्टर वाले को रिसीव करेंगे और इसको लेके जाएंगे अपने खेतों की तरफ। मैं भी ट्रैक्टर वाले के साथ बैठ गया हूँ और अब हम जा रहे हैं ज़मीन की तैयारी के लिए, जो ज़मीन हमने गंदम के लिए तैयार करनी है। ये एक ख़ास तरह की मशीन है जिसको डिस्क कहते हैं और इसमें जो है ना प्लेटें लगी होती हैं। अब हम उस ज़मीन में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने गंदम लगानी है और गंदम की तैयारी के लिए हम ये डिस्क चलाने लगे हैं। ये देखें, ये डिस्क लगा दी हमने। सबसे पहले डिस्क चलेगी और डिस्क लगाने का एक बेनिफिट ये है कि ये ज़मीन को ना काफ़ी नीचे तक जो है ना खोद के रख देगी। और एक दफ़ा यूं डिस्क चला रहे हैं, फिर दूसरी दफ़ा ना मतलब यूं लगाएंगे ताकि ज़मीन जो है ना बिल्कुल नरम हो जाए और बेहतरीन तरीके से मतलब तैयार हो जाए। और डिस्क के ज़रिए ये जो मक्की का, इसको हम सराकी में टांडा कहते हैं, मक्की का जो पौधा है ना, ये भी बीच में रगड़ा जाएगा। और इसका भी एक फ़ायदा ये है कि ये जो है ना मसूरी खाद के तौर पर इस्तेमाल होगा, ज़मीन को बड़ा फ़ायदा देगा। ये देखिए, डिस्क बनाने का ये फ़ायदा है कि ज़मीन को ना काफ़ी गहराई तक जो है ना उखाड़ के रख देती है और इस तरह ज़मीन को ना हवा भी लग जाती है। थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने कहा शलजम उतार कर खा लूँ तोड़ के।
तकरीबन 3:15 का टाइम है, हम 3 बजे हमने शुरू किया और ये तकरीबन 6 बज जाएंगे कोई 3 एकड़ ज़मीन बनाने में। इसमें सिर्फ डिस्क चला रहे हैं फिलहाल, डिस्क चला के रख देंगे कल तक जो बीज का छटा देंगे ना तो फिर उसके ऊपर रोटर चला देंगे। बड़ा टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। ये एक दफ़ा फाइनल हो गया सारी, अब जो है ना इसके ऊपर इस डायरेक्शन में चला रहे हैं ताकि जो है ना कुछ जगह रह ना जाए। और दूसरा ये है कि इस तरह जो है ना ज़मीन सही मतलब हवा लग जाती है ज़मीन को, ज़मीन मट्टी जो है ना थोड़ा खुल जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गंदम के लिए ज़मीन तैयार करेंगे और एक पत्ती जो है ना डेढ़ करके वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर ना सुबह जो है ना बीज डालेंगे, उसके बाद जो है ना उसके ऊपर वाटर चला देंगे। अभी ये एक पत्ती की पत्ती ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे चाय का, तो ये इतना आप चाय लेके आए हैं, अब हम पियेंगे चाय। काम के दौरान जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो चाय पी के आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। शाम के 8 बज गए, बीच में हमें सिर्फ चाय पी थी और काफ़ी भूख लगी थी, छोटा वही खाना लेके हैं, अब हम खाना खा रहे हैं और इसके बाद थोड़ी सी रह गई थी अभी वो बनानी है। खाना खाने के बाद ये थोड़ी सी जगह रह गई थी और ये बस तैयार कर रहे हैं, उसके बाद बस करेंगे और जो अगला स्टेप होगा वो अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना मेहनत करना पड़ती है, हम दोपहर 2 बजे से लेकर रात तकरीबन 8 बज रहे हैं, कंटिन्यूसली हम काम ही कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं आज के दिन में। गाइस आज का जो व्लॉग था इसमें हमने ज़मीन तैयार करने का एक तरीका मुकम्मल किया है, और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि बीज कैसे डालते हैं और बीज डालने के बाद क्या करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली अगर कहीं पे मिस्टेक हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।